अभी सूरज टाइलॉग है, उनका है, उनका भी अभी रैप शो हो रहा है, बहुत कुछ बचा हुआ है। मेरे साथियों, इस गांधी मैदान से आज जिस तरीके का संकल्प हुआ है और जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ से एक संकल्प लिया है, ये संकल्प की आवाज हुए उत्तरी छोटा नागपुर पुरंदर में जाएगी, तमाम इलाकों में जाएगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, आज यहाँ के नौजवानों ने दिखा दिया है कि जिस तरीके से 10x10 के कमरे में यहाँ पे जो सपने पल रहे हैं, उन सपनों को ये बचाने की लड़ाई के लिए यहाँ के नौजवान भी संकल्पित हैं। और यही कारण है कि झारखंड में जो दो तीन बड़े मसले हैं, चाहे वो स्थानीय नीति की बात हो, चाहे वो नियोजन नीति की बात हो, चाहे वो पुनर्वास नीति की बात हो, आप लोगों ने ये गौर किया होगा कि आंदोलन ने सत्ता की चूल्हे हिला दी है और राजनीतिक सत्ता इस बात पर चिंतित कर रही है कि आखिर यहाँ पर नीतियों को कैसे बनाया जाए। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं, जो जयराम भाई ये बात कह रहे थे कि दिल्ली का रास्ता क्यों तय करना होगा, इसलिए तय करना होगा कि कोटा से एक मेरा भाई सूरज टाइलॉग यहाँ पर आया और झारखंडी जाकर के प्रस्तुति दिया। लेकिन आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों जब यहाँ पर एक फुटबॉल का मैच हुआ था तो बिहार से अचरक सिंह अदाकारा को लाया गया था और मन से यहाँ पर कहा था यहाँ के सांसद महोदय ने कि मैं बक्सर आऊंगी, इस बात पर मुझे गर्व है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इसी माटी ने यहाँ पर उनको सांसद बनाया और उनके परिवार को एक राजनीतिक पहचान दी और इसके बाद इस बात पर वो गर्व महसूस करते हैं कि वो बक्सर से हैं। जिस माटी ने उन्हें राजनीतिक पहचान दिया, जिस माटी ने उन्हें सांसद बनाया, वही लोग इस माटी का होने पर गर्व नहीं महसूस करते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, झारखंडी माटी के लोग प्रतिनिधित्व करें, इस बात पर चिंतन करना होगा। और साथियों, एक बात आप सबसे कहना चाहते हैं कि झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में, 14 लोकसभा क्षेत्र में, 6 राज्यसभा की सीटों पर आपको ये चिंतन करना होगा कि झारखंड के लोग जाकर के कैसे वहाँ पर प्रतिनिधित्व हासिल करेंगे। एक बात और ये समझने की कोशिश करिए कि हमारी राजनीतिक चेतना पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ के सांसद बक्सर से हो जाते हैं, आपके धनबाद के सांसद यूपी से हो जाते हैं, कोटा के सांसद भागलपुर से हो जाते हैं, आपके पलामू के सांसद बीडी राम बक्सर से हो जाते हैं, चतरा के सांसद बिहार से हो जाते हैं, राजस्थान के सांसद रांची के सांसद राजस्थान से हो जाते हैं। यह आपकी राजनीतिक चेतना पर सवाल है कि क्या झारखंडी माटी अपने नेता नहीं पैदा कर सकती है। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि झारखंड में नेतृत्व को जगाने के लिए ये जो नया आंदोलन पनपा है, ये नया आंदोलन झारखंड में आया है, इसको एक तरीके से आप सब लोग साथ दीजिए और झारखंड में एक राजनीतिक चेतना को जगाने का काम करिए। ये झारखंड को बचाने की लड़ाई है, ये घर घर की लड़ाई है। आज कई वक्ता हमारे नहीं बोल सके, आप देखिए कई राजनीतिक दलों को इतना भीड़ जुटाने में पसीना छूट जाता है, लेकिन हमारे लोगों ने एक तरीके से ये परिचय दिया है कि ये सोता अस्फुट भीड़ है, ये परिवर्तन के लालायित है और ये झारखंड की धरती परिवर्तन के लिए बेताब है। 2024 इस बात का गवाह बनेगा और गांधी मैदान में भी इस बात की गवाही दे दी है कि झारखंड अब परिवर्तन को तैयार है। जिस धरती ने तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, नीलांबर पितांबर जैसे शख्सियत को पैदा किया है, वही धरती अपना सांसद और विधायक निकालेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कहना चाहता हूँ कि झारखंड के 32,623 गाँव में, झारखंड के 24 जिले में, झारखंड के 464 प्रखंडों में आप देखते होंगे कि झारखंड में जितने भी पंचायत के मुखिया बने, जिला परिषद के सदस्य बने, उन सभी लोग इसी झारखंड की माटी से जीत करके आए हैं। तो जो माटी इतना मुखिया और जिला परिषद बना सकती है, वही माटी विधायक और सांसद भी बनाएगी। ये बात मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथियों। मेरे साथियों, एक बात और आप सबसे कहना चाहता हूँ कि झारखंडी माटी पर लगातार ये सवाल खड़ा होता रहा कि क्या यहाँ पर स्थानीय नीति 1932 के आधार पर परिभाषित हो पाएगी। लेकिन उन लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि 1932 का जो पूर्व का सर्वे है और जिला आधारित जो अंतिम सर्वे है, उस पर भी हम लोगों ने कहा है कि उसको भी आप आधार बना करके स्थानीय नीति परिभाषित करिए। और नियोजन नीति में हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है
झारखंड के नौजवानों को आप लोगों को मौका देने के लिए नीतियों को बनाना होगा। और जिस तरीके से पुनर्वास नीति की बात है, जैसे गोतलपुरा की बात हो रही थी, कल हम लोग गोतलपुरा के आंदोलन में गए थे, माँ बहनपुरा वहाँ पर आई थी छाता लेकर के, बारिश में वो लोग आंदोलन कर रही थी। हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड में नौकरी को बचाने की लड़ाई, झारखंड में जमीन को बचाने की लड़ाई, झारखंड में नेतृत्व में प्रतिनिधित्व में जगह पाने की ये लड़ाई है, ये संपूर्ण झारखंड में बचाने की लड़ाई है। और 1942 में इसी धरती में जब जेपी आए थे जेल में, उन्होंने एक संदेश दिया था, आपने गौर किया होगा कि झारखंड के तमाम संदेश दिया है, झारखंड को बचाने की लड़ाई कमजोर नहीं होगी। साल 2023 में भी ये झारखंड एक नए क्रांति का संदेश देगा। आप सबसे यही कहना चाहता हूँ और आप सबसे एक बार जोर से कहना चाहता हूँ, जय झारखंड, जय झारखंड, जहाँ